चाय आपको दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप ना चाय लेने के लिए तैयार, मेरी बात मत कौन से मान ले। सर भूख तो ऐसे भी मर रहे हैं, एक दिन चाय पी के क्या पेट भर जाएगा? ये लैंग्वेज में हमारे से बात करने का क्या मतलब है? गलत गुमराह करने की बात करोगे, कैसे हम मान लेंगे उस बात? गलत बात बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप गलत नहीं, देखिए मेरी बात सुन लीजिए मंत्री जी, आप पिछले लोग बात कर रहे हैं यार, करीब कितने नेता हैं यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछड़े, मानते हैं आपको? कभी हमारी पूजा सुनी? ये तस्वीरें हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के आवास के बाहर की, जहाँ नियुक्ति की मांग को लेकर 59,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बुधवार को मोहनलालगंज क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के आवास पर शाम को धरना प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक अभ्यर्थी सांसद के आवास के बाहर बैठे रहे। क्षेत्र से लौटने पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने अभ्यर्थियों से बातचीत की। कैसे ये बोल दिया इन्होंने? अगर आप लोगों को गुमराह करने का कोई काम करेगा आदमी, ये देखिए, ये एक फिर मैं ये मानूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो आप लोगों को मेरे यहाँ आना नहीं चाहिए था। आप जहाँ पर धरना पर बैठे थे, वहाँ पर अगर कोई भी आदमी आकर के आपको प्रशासन के लोग मिलते, मुझसे बोलते, तो ये यहाँ पर आप लोग आकर के बैठ गए, मुझसे बोलते भाई कि ठीक है मैं इतने लोग आ रहा हूँ, किस बात के लिए आ रहे हैं यहाँ पर? मैं आया, देखा आप लोग धरने पर बैठे। आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कुर्सी ले लो, बैठ जाओ ना, जमीन बैठो। आप चाय आपको दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप ना चाय लेने के लिए तैयार, मेरी बात मत कौन से मान रहे आप? सर भूखे तो ऐसे भी मर रहे हैं, एक दिन चाय पी के क्या पेट भर जाएगा? तो 550 दिन। ये लैंग्वेज में हमारे से बात करने का क्या मतलब है? सर लैंग्वेज में नहीं, मैंने यहाँ बुलाया था, यहाँ मैंने बोला था जाके धरने पर बैठे। चलिए सर, और देखिए हम लोग कैसे रहते हैं, हम लड़कियों के पास। मेरी बात सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने बहुत धरना प्रदर्शन किया, बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन किया, मुझसे ज्यादा धरना प्रदर्शन आप लोगों ने नहीं किया होगा मेरे बारे में जानकर। मगर जिस तरह की आप लोग बात कर रहे हो, उस तरह की बात कभी कोई नहीं किया। हम लोगों का भी ढंग तरीका धरना प्रदर्शन का होता है। आप ये दिनेश निरहुआ यादव बिरादरी के आदमी, पिछड़े वर्ग के आदमी, आप कह रहे हैं वो बोल दिया कि जाइए, पिछड़े दल तो बात नहीं सुनते, कैसे बोल देगा अगला आदमी? अरे माननीय मंत्री जी, ये बात गलत गुमराह करने की बात करोगे, कैसे हम मान लेंगे उस बात? गलत बात बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप गलत नहीं, देखिए मेरी बात सुन लीजिए मंत्री जी, यहाँ पिछले लोग बात कर रहे हैं यार, पिछड़े कितने नेता हैं यहाँ हमारे डिप्टी सीएम पिछड़े हैं, मानते हैं अपने आपको? कभी हमारी पीड़ा सुनी? यही लखनऊ में ही रहते हैं हम लोग, 500 दिन बहुत दिन होता है। आज आप उनके पास रुको पहले, यहाँ पे सारे लोग, मैं खुद मास्टर ऑफ साइंस हूँ, लेकिन सारा ज्ञान ना यही घुस गया है। अभ्यर्थियों की मांग को सुन केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिला अधिकारी को फोन कर अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए। मौके पर पहुंचे एसीएम ने अभ्यर्थियों से ज्ञापन लिया और डीएम से वार्ता कराने का आश्वासन दिया। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इको गार्डन में भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती के खिलाफ करीब 2 साल से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने इससे पहले आत्महत्या करने की भी धमकी दी थी। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण लागू करने की अनियमितताओं के खिलाफ हजारों अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला कोर्ट में भी लंबित है। इससे पहले अभ्यर्थी कई नेताओं से भी मिलकर गुहार लगा चुके हैं।